वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसमें यूनाइटेड प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष पत्रकार नूतन गोस्वामी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था। वहीं इसके खिलाफ पहले कभी कई बार शिकायत दर्ज की गई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वहीं आज व्यापारी एसोसिएशन ने थाने पहुंचकर पुलिस के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और पुलिस कार्रवाई की मांग रखी है, जिसके बाद नूतन गोस्वामी के खिलाफ FIR दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहयोग के हिसाब से आए थे हमारे एक व्यापारी के विरुद्ध में, कि मतलब गलत हरकत हो गई, उस वजह से हमने एक ज्ञापन दिया था पुलिस को। उसमें हमारे यहाँ के एक नामी गामी पत्रकार ने उसके साथ में दुर्व्यवहार करा और उससे हर बार पैसे वसूल रहा था, उस वजह से हम आए थे। और उस पत्रकार ने कुछ मीडिया वालों को लाकर और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, तो हम पुलिस के सम्मान में आए थे आज। और हम यही चाहते हैं कि ऐसा गलत काम किसी व्यापारी के साथ में ना हो, उस वजह से हम यहाँ पर आए थे आज। पहले हमारे यहाँ कहनी की गई थी व्यापारी की रिपोर्ट पे, उस कार्रवाई से यहाँ के जो व्यापारी सीजन के लोग अपने कायथा के, वो लोग आज पुलिस थाना कायथा पर आए थे। उन्होंने पुलिस का सम्मान किया और प्रसन्नता जाहिर की और बताया कि इससे उन लोगों में बहुत खुशी है, पुलिस की कार्रवाई से उन्हें बहुत खुशी हुई।